आज बाल दिवस है और इस अवसर पर पटना के महाराणा प्रताप भवन में हमें और यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे बच्चे आप जो देख रहे हैं अपनी माओ की गोद में या छोटे छोटे बच्चे, ये तमाम वो बच्चे हैं जो हर दिन ज़िंदगी से जद्दोजहद करते हैं। ये थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं जिन्हें हर 15 दिनों पर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आज इस संस्था ने ऐसे बच्चों को यहाँ बुलाया है और यहाँ पर आप देखिए कि एक संस्था के माध्यम से यहाँ पर इनका आज जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है जिसके बाद शायद इन्हें थैलेसीमिया से आज़ादी मिल जाए, उस रोग की जांच होती है और उसके लिए यहाँ जर्मनी की संस्था के माध्यम से यहाँ पर इनका स्वैब टेस्ट लिया जा रहा है और टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद इन्हें इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए किया जाएगा। हम यहाँ बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे करीब ये 650 बच्चे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आए हैं और इनसे हम यहाँ पे बात करते हैं। मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, ये बच्चे कितने बच्चे अभी तक आए हैं यहाँ? देखिए, आज 700 से ऊपर पूरे देश भर से 700 वैसे बच्चे आए हैं जिनको जीने के लिए हर 15 दिन पर ब्लड चढ़ाना पड़ता है। हम लोग आज आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि शादी से पहले कुंडली मिलान के साथ साथ अगर हम लोग HbA2 टेस्ट का करवा के 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी को रोक पाएंगे तो इस तरह के बच्चे धरती पर नहीं आएंगे। इस तरह के बच्चे जिस घर में आते हैं वो अब बच्चा अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए पीड़ा का कारण बनता है। शादी से पहले 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी को रोक पाएंगे तो इस तरह के बच्चे नहीं आएंगे। फिलहाल जो 700 बच्चे आए हैं इनके भाई बहन के से हम लोग DKMS पंकज उदा जी के संस्था पटूत और साथ में कोकिला बहन के डॉक्टरों के द्वारा एक टेस्ट चल रहा है, HLA मैच बोलते हैं। इनके सगे भाई बहन से ये मैच जर्मनी जाएगा, स्वैप हो रहा है, उनके लाड़ को लिया जा रहा है भाई बहन फादर मदर का और ये जर्मनी जाने के बाद जो बच्चे चिन्हित होंगे उनका हम लोग ट्रांसप्लांट बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भेजेंगे। आपको याद होगा 23 फरवरी 2020 को बिहार की धरती पर पहली बार इस तरह का कैंप आयोजन हुआ था जिससे 38 बच्चे चिन्हित हुए थे। 13 बच्चों का ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो गया है। आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री और कोल इंडिया का आभार प्रकट करते हैं कि वो उनके बल पे इन बच्चों का ट्रांसप्लांट हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।